नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। दोस्तों फाइनली आरपीएससी सेकंड ग्रेड रिजल्ट 2018 पर ऑफिशियल अपडेट आ गई है और आपका जो रिजल्ट है वह कल 27 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। इसका हम आपको ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाने वाले हैं और जो विद्यार्थी एसआई रिजल्ट 2016 का इंतजार कर रहे हैं तो एसआई के पदों का वर्गीकरण 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा और उसके बाद आपके अगले सप्ताह 30 या 31 जुलाई को आपके एसआई भर्ती 2016 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं सोमवार या मंगलवार तक आपके राजस्थान हेल्पर 2 भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आज या कल में रिजल्ट जारी करने के आदेश विद्युत विभाग को मिल जाएंगे और इसके बाद आपके मंगलवार या बुधवार तक आपके हेल्पर 2 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2019 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह के लास्ट तक जारी होगा और उसके बाद उससे अगले सप्ताह में आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट लेट आने से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन लेट जारी हो रहा है, इसलिए अगले सप्ताह के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा और उससे अगले सप्ताह में आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। वहीं राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आपके अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी होगा और राजस्थान पटवारी का नोटिफिकेशन आपके अगस्त के दूसरे सप्ताह के शुरू में जारी होगा, क्योंकि राजस्थान पटवारी के सिलेबस में थोड़ा चेंज हो सकता है। साथ ही इसमें एग्जाम भी इस बार आपके एक ही करवाया जाएगा, इसलिए राजस्थान पटवारी पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और जैसे स्थिति क्लियर होती है तुरंत आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हमने विभिन्न भर्तियों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम राजस्थान से जुड़ी समस्त भर्तियों की अपडेट टाइम टू टाइम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हम राजस्थान से जुड़ी समस्त भर्तियों की अपडेट skresult.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी हमें उपलब्ध करवाते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे भी देख सकते हैं, वहां पर भी हम अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एएन भर्ती की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं आयोग द्वारा सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर दिनांक 9 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 तक करवाया जाएगा। विषय आप देख सकते हैं 9, 10 और 11 को किन किन सब्जेक्ट का आपका पेपर है, साथ में यहाँ पर समय भी दिया हुआ है। साथ ही अभी इस भर्ती पर ओबीसी व एसटी की जो कट ऑफ है उसको लेकर मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है और जैसा कि आपके पहले आरएस और पटवारी भर्ती में हुआ था वैसा इसमें भी आपके हो सकता है कि जो जनरल तक की कट ऑफ है वहां तक के अभ्यर्थी ओबीसी और एसटी के शामिल कर ले जाएंगे इसमें बाद में। दोस्तों आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का रिजल्ट आज ही जारी होना था लेकिन किसी कारणवश रिजल्ट आपका आज जारी नहीं हो सका। या हो सकता है आरपीएससी अपने सारे रिजल्ट एक साथ जारी करना चाहती हो, इसलिए रिजल्ट आपका कल शाम तक जारी हो जाएगा। इसमें भी आपके 2 से 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपके कल शाम को जारी होगा, बाकी आपके जो रिजल्ट बच गए हैं वो आपके सोमवार को जारी कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों न्यूज कंफर्म है, रिजल्ट आपका तैयार है बस जारी नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन कल तक आपके 1 या 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट 100% आपके जारी हो जाएगा, बाकी रिजल्ट आपके सोमवार को जारी कर दिए जाएंगे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2019 के आवेदन आपके इसी अगले सप्ताह से शुरू होने थे लेकिन सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आने से आयोग अभी बिजी है, इसलिए अगले सप्ताह के लास्ट तक केवल आयोग आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा फर्स्ट ग्रेड का और आवेदन उसके अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। और एसआई भर्ती रिजल्ट 2016 का जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं वे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, 1 से 2 दिन में आपके पदों का वर्गीकरण जारी कर दिया जाएगा और अगले सप्ताह में आपके एसआई भर्ती का रिजल्ट भी आपके बुधवार तक जारी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।